स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बढ़िया थी, लास्ट टाइम में जो हुआ उसमें जस्ट मिस हो गया था मेरा मेडल, बट इसमें काफ़ी बढ़िया थी, हमारी प्रिपरेशन थी, तभी गोल्ड मेडल जीता है। गुवाहाटी में मैंने काफ़ी अच्छा किया था, परफॉर्म किया था, 17.09 किया था, परफॉर्मेंस इतना लोग बढ़िया नहीं बोल सकते, बट फिर भी गोल्ड जीता है, बहुत खुशी है। 2014 से शुरुआत हुई थी आपकी, अगर आप ऐसे बात करें एशियन गेम्स के लिए, अब जाके 2018 में आपका सपना पूरा हो गया। चैलेंजेस की बात करें तो आज जब ट्रैक पर थे, किस तरह के चैलेंजेस आपको, ट्रिपल जंप में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कैसे मेंटेन किया आपने? इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, उससे काफ़ी आई दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा। 3 जंप मैंने किए, कंप्लीट किए, उसके बाद बहुत ज़्यादा आ रहे, क्रैम्प आ रहे थे, तो मैं इतना बड़ा बढ़िया नहीं कर पाया, परफॉर्म कर पाया लास्ट जो 3 जंप थे। उम्मीदें ऐसे थी कि मैं मिनिमम 17-20 करूँगा, इतना था कॉन्फिडेंस, क्योंकि गुवाहाटी में जैसे काफ़ी अच्छा किया परफॉर्म, और मेंटली साइकोलॉजिकल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मैं, भी अच्छा करूँगा, बट क्रैम्प की वजह से वेदर काफ़ी चेंज है, इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, मुझे नहीं सभी को, जितने भी थे आधे लोग तो ऐसे कर रहे थे भी जंप पास कर रहे थे। जी, आपने अपने करियर की शुरुआत एक स्प्रिंटर के तौर पे की थी, लेकिन फिर आपके कोच ने आपको देखा कि नहीं आप ट्राई करो ट्रिपल जंप, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, मेरे फादर साहब को काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये जाए स्पोर्ट्स में जाए, तो 100 मीटर किया, 200, 400, फिर लॉन्ग जंप में आया, तो हर की जगह से निराशा ही मिल रही थी, हर की जगह फेल। तो DS बाल थे कोच, साई के कोच थे अमृतसर में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ट्रिपल जंप करेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा तेरे लिए। तो उस टाइम मैं 13-14 ईयर होल्ड होंगे, तो इतना पता नहीं था कुछ भी क्या होता है ट्रिपल जंप, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे बोला ये ऐसे हॉप होता है, स्टेप्स, जंप, तो उन्होंने मुझे काफ़ी किया, गाइड किया। फिर 2 साल के बाद थोड़ा क्या सीख गया मैं कैसे है, तो ये 2005 की बात है, और 2007 में मेरा नेशनल में मेडल आ गया था, स्कूल नेशनल में अंडर 17। हाँ, प्रेशर तो काफ़ी था, बट उम्मीद यही थी कि मैं काफ़ी अच्छा करूँगा, परफॉर्म करूँगा, तो मैंने सोच रखा था भी मेरा अंदर का भी बताऊँ आपको, तो मैं ऐसा ऐसा फीलिंग था भी आज न्यू नेशनल रिकॉर्ड करूँगा आज मैं, तो फर्स्ट जंप किया, काफ़ी भी फीलिंग बेटर थी, जस्ट टच फॉल था, और सेकेंड सभी लोग मेरे बोलने लगे भी सेकंड मत करना, फॉल करना, और तो भी ज़्यादा आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, तो मैंने ट्राई किया भी सेकंड 50 सेंटीमीटर पीछे था बोर्ड से, तो फिर थर्ड किया जो 16.77 हुआ है, उसके बाद मैं ऐसा लग रहा था भी हाँ अभी तो प्लेस में हो गया, श्योर हो गया, अभी ऑल आउट करूँगा, तो इतना तो बनता ही है, मतलब 17.20, 17.30 थी आज मेरी कैपेसिटी थी, बट ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। का ये काफ़ी बड़ी है अचीवमेंट, अभी काफ़ी टाइम से अभी केरला में मैं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो घर नहीं जा पा रहा मैं, 6 मंथ अभी उधर ही लगा हुआ कैंप, और पंजाब का और केरला का आपको पता है काफ़ी दूर भी है और टोटली डिफरेंट है, तो अभी बहुत सीरियसली चल रही थी ट्रेनिंग की भी कुछ करना ही है लाइफ में, तो इसी वजह से भगवान ने भी सुना है कि ठीक है। कहाँ पर रेट करते हैं आप इस मेडल को? सॉरी, रेट कहाँ पर करते हैं अभी तक जितने भी मेडल्स आपको मिले, ये कहाँ पर आता है? ये तो सबसे ऊपर ही है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में 2014 में ग्लासगो में ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, तो ये इस बार मिला, गोल्ड मिला है, तो काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी सवाल, घर पे भी काफ़ी खुशी का माहौल है, पिक्चर्स आई थी वहाँ से हमारे पास, कुछ बात भी करते हैं। मेरे फादर साहब से बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा थे, खुश थे, तो वो अभी बोल रहे थे कि काफ़ी लोग आ रखे हैं, तो वह अच्छा लग रहा है। यही यहाँ से ऑब्वियसली नज़र ओलंपिक्स पे होगी, हर एक एथलीट का सपना होता है ओलंपिक गोल्ड मेडल, किस तरीके से आप अपने आप को प्लान करेंगे कि एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के बाद 2020 में होगी? जी, अभी यही जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत सही से हर चीज़ कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि एथलेटिक्स आप भी देख ही रहे हैं इधर कितना अच्छा, हर एक आदमी कितना अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट तो मेडल तो आ ही रहे हैं सभी के, जिसका मेडल नहीं भी आ रहा अपना इधर आके बेस्ट दे रहा है,
तो यही बोलना चाहूँगा भी एथलेटिक्स काफ़ी ऊपर जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स के लिए नेक्स्ट ईयर एशियन ट्रैक एंड फील्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पहले उसमें थोड़ा आशा करें और मोटिवेट होंगे ओलंपिक्स के लिए। किसको डेडिकेट करेंगे आपके मेडल? बहुत सारे, मेरी फैमिली है, मेरा डिपार्टमेंट ONGC जो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और मेरे कोचिज जय कुमार जी वो भी काफ़ी कर रहे हैं, और फेडरेशन का सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ थैंक्स, जिन्होंने इतना संजोग दिया मुझे। थैंक यू।